प्रश्न क्लास 6 विषय गणित दिनांक 26/6/2020 प्रश्न 3.4 में क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सहभाज्य है? क्वेश्चन नंबर सी 216 और 215। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सहभाज्य है? ई 216 और 215। जैसे 216 के अंदर हम भाग देते हैं, जैसे एक का भाग जाता है इसमें और दो का भाग जाता है, तीन का भी भाग जाता है इसमें, और एक दो तीन और 216 का भी भाग इसमें जाता है। 215 के अंदर हम लेते हैं तो एक का भाग है, फिर पांच का गया और फिर 215 का भाग है। तो 216 के अंदर एक का भी भाग जाता है, दो का भी भाग जाता है, तीन का भी भाग जाता है, 216 का भी भाग जाता है। 215 में एक का भाग जाता है, फिर पांच का भाग जाता है और फिर 215 का भाग जाता है। तो हम ये निकालते हैं कि जैसे एक और ये एक, जैसे दोनों के अंदर जैसे हमने निकाला तो दोनों में सार्वगुणनफल है। जैसे हम लोग निकालते हैं एक तो 216 और ये संख्या 216 और 215 216 और 215 ये संख्या 216 और 215 ये संख्या सह अभाज्य है। ये संख्या सहभाज्य है क्योंकि 216 में एक कॉमन आता है, 215 में भी एक कॉमन आता है, तो ये सहभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला एफ 81 और 16, इसमें देखिए जैसे हम लोग निकालते हैं तो 81 और 16 के अंदर 81 और 16 जैसे 81 में हम भाग देते हैं, सबसे पहला भाग जाता है एक का भाग जाता है, फिर भाग जाता है तीन का जाता है, ऐसे 81 के अंदर तीन का भाग है, तीन तीन होती छह, पीछे बचा एक, 7 × 21, तीन का भी भाग जाता है इसमें और 9 का भाग जाता है 81 में, 99 81। एक तीन और 9, उसी प्रकार 16 के अंदर भाग जाता है
एक का भाग जाता है और दो का भाग जाता है, फिर चार का भाग जाता है, फिर आठ का भाग जाता है और फिर सोलह का भाग जाता है और इसमें इक्यासी का भाग हो जाता है। एक तीन नौ इक्यासी, एक दो चार आठ और सोलह। जैसे दोनों में जैसे देखिए इक्यासी के तो गुणनखंड किए हमने, उसमें एक कोमन आता है और सोलह में भी एक कोमन आता है। इक्यासी और इक्यासी और सोलह संख्या सभाज्य है, इक्यासी और सोलह संख्या सभाज्य है क्योंकि दो इक्यासी के गुणनखंड में और सोलह के गुणनखंड में एक आता है। यदि एक मतलब कोमल आता है इसमें, दोनों में उभयनिष्ठ संख्या आती है। यदि एक और आगे जैसे मान लीजिए तीन है इधर और नीचे तीन भी होते तो ये अभाज्य सहभाज्य संख्या नहीं होती। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर छठा, एक संख्या पांच और बारह दोनों से विभाज्य है, किस अन्य अन्य संख्या से यह संख्या संख्या सदैव सदैव विभाजित संख्या सदैव विभाजित हो विभाजित विभाजित होगी। एक संख्या पांच और बारह, एक संख्या पांच और बारह, एक संख्या पांच और बारह दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है। जैसे देखिए एक संख्या पांच है और बारह दोनों से विभाज्य है। जैसे संख्या साठ, जैसे संख्या साठ है, ये संख्या पांच से भी, पांच का भी भाग जाता है, पांच एक पांच पीछे बचता है, एक जीरो पांच दो दस जीरो बचता है। उसी प्रकार से जैसे साठ संख्या है उसमें यदि हम बारह का भाग देते हैं, बारह पड़े साठ। जैसे देखिए जैसे संख्या सात है उसमें पांच का भी भाग जाता है और बारह का भी भाग जाता है, किसी अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाज्य मतलब संख्या सात है, जिससे जैसे संख्या सात है दोनों संख्या पांच और बारह से विभाजित विभाजित होती है।